बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो आज हम बनाने वाले हैं ये सूजी के मजेदार से गुलाब जामुन, जो कि झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए आइए, आप भी इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिए और इसके बनाने का तरीका देखिए। जी हाँ, ये बहुत ही मजेदार बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। और प्लीज, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस को ऑन करते हैं और इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून घी या रिफाइंड, और इसको हम गर्म होने देते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाता है, हल्का सा गर्म, बस ज्यादा तेज गर्म नहीं करना हमने, तो इसमें हम डालेंगे ये 1/2 कप, यानी कि मैंने 1/2 कप ली है ये सूजी। और इसको हमने बस सिर्फ 2 मिनट तक भूनना है और गैस की फ्लेम को हम रखेंगे बिल्कुल लो पर, और सिर्फ 2 मिनट इसको हमने भूनना है। इसका कलर ज्यादा हमने चेंज नहीं करना है। 2 मिनट तक सूजी को लो फ्लेम पर भूनने के बाद इसमें डालेंगे अब हम ये दूध। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप दूध लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसी तरीके से, और गैस की फ्लेम को लो पर ही रखना है। बस इसको चलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और इसमें डालेंगे 2-3 चुटकी हरी इलायची पाउडर, और इसको अच्छा सा हमने एक डो, जैसे कि आटा गूंथते हैं ना हम रोटी बनाने के लिए, इस तरीके से जब तक ये हमारा अच्छे से एक डो की शक्ल में नहीं आ जाता, जब तक हमने इसको चलाते हुए इसी तरीके से पकाना है। तो देखिए, दूध डालने के बाद इसको बस हमने चलाते हुए ऐसे ये इस तरीके से डो तैयार कर लेना है, और इसको 1 से 1.5 मिनट लगता है बस इसको पकने में। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने ये सब प्लेट में निकाल लिया और इसको हम ठंडा कर लेते हैं। तो जब तक हमारी सूजी का डो जो है वो ठंडा होता है, तब तक हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम एक बर्तन लेंगे और उसमें हम डालेंगे ये 2 कप पानी। गैस को करते हैं ऑन और पानी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। तो पानी जैसे ही हमारा हल्का सा गर्म हो जाता है, तो इसमें अब हम डालेंगे ये चीनी। तो ये 1 कप चीनी डाली मैंने और ये 1/2 कप और, तो कुल मिलाकर 1.5 कप चीनी, 2 कप पानी और 2 पिंच में डाल रही हूँ इसमें फूड कलर। फूड कलर जो है ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है चाशनी में हल्का सा कलर, इसलिए मैं चाशनी में हल्का कलर यूज करती हूँ। और 2-3 चुटकी हरी इलायची का पाउडर, और चाशनी को हम अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए, सूजी हमारी ये ठंडी हो चुकी है, हम इसको अच्छा से मैश कर लेते हैं। और इसको हम एक आटे के जैसे कि रोटी बनाने के लिए जब हम आटा तैयार करते हैं, इसको मिक्स करके बिल्कुल ऐसे एक डो तैयार कर लेते हैं चिकना सा। तो जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है, हम इसकी छोटी छोटी सी लोई बना लेते हैं। आप हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लें और इसको इस तरीके से, जैसे कि एक बॉल बनाते हैं ऐसे, छोटी छोटी हम बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने ये सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलिए आइए अब चाशनी को देख लेते हैं। तो देखिए, चाशनी अब हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने इसको ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है,
अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं और ऑयल को गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके ये गुलाब जामुन डालना शुरू करते हैं और ऑयल का टेम्परेचर जो है वो हमने बहुत ही हल्का रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने गुलाब जामुन को फ्राई करना है। बस ऑयल को हमने इन पर ऐसे डालना है और इसमें गुलाब जामुन में अभी हमने चम्मच नहीं लगाना है बिल्कुल भी, जब तक इनका एक हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। अब देखिए इन पर एक हल्का सा कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इनको चम्मच से टच कर सकते हैं और इस तरीके से चलाते हुए हमने इसको फ्राई करना है 7 से 8 मिनट तक, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, अंदर से कच्चे ना रहें। तो देखिए हमारे गुलाब जामुन ये 7 मिनट हो गए हैं और इसी बहुत अच्छे से हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, अभी तक तो ये लो पर थी, अब हम थोड़ा सा मीडियम पे कर देते हैं ताकि इस पर अच्छा सा कलर आ जाएगा। तब देखिए हमारे गुलाब जामुनों पर एक अच्छा सा कलर आ गया है। गैस की फ्लेम को अब हमने फिर लो पर कर देना है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल से और इनको चाशनी में डाल देते हैं। इनको हमने 20 से 25 मिनट चाशनी में डालकर रखना है। चाशनी तो हमारी गर्म है ही, इनको कवर करके रख देते हैं और हम यह बाकी के गुलाब जामुन भी इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। गुलाब जामुन को चाशनी में डिप किए हुए हमारे पूरे 25 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए आइए अब हम इनको सर्व करते हैं। तो लॉकडाउन में जब भी मीठा खाने का करे मन तो झटपट से बनाइए सूजी के गुलाब जामुन। इसको गर्मा गर्म भी खा सकते हैं और आप इसको फ्रिज में ठंडा करके भी खा सकते हैं। ये दोनों तरीके से, ठंडे हों या गर्म, दोनों तरीके से बहुत ही मजेदार लगते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना तो बनता है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।